galaxy far, far away. Ure, ure, chale, chale. Aaja meri spaceship mein baith ja re. Ure, ure, chale, chale. Back to the future, uaye. Ure, ure, chale, chale. Un, dos, tres, hey. Rap, pan, rap, rap. Andheri raaton mein sunsaan raahon par. Rap, pan, rap, rap. You be ready with aankhon ka laser. Rap, pan, rap, rap. Apne frij mein tu dragons jama kar. Rap, pan, rap, rap. Ye bandhan to hai, pyaar ka bandhan hai. Andheri raaton mein sunsaan raahon par. Rap, pan, rap, rap. You be ready with aankhon ka laser. Rap, pan, rap, rap. Apne fridge mein tu goblins jama kar. Rap, pan, rap, rap. Ye bandhan to hai, pyaar ka bandhan hai. Andheri raaton mein sunsaan raahon par. Rap, pan, rap, rap. You be ready with aankhon ka laser. Rap, pan, rap, rap. Apne fridge mein tu goblins jama kar. Rap, pan, rap, rap. Ye bandhan to hai, pyaar ka bandhan hai. इसे कहते हैं तोड़फोड़ परफॉर्मेंस. जोरदार तालियां, कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर राधिका अभिमन्यु एंड गुलशन. कंग्रेचुलेशंस. ओके, पूरी टीम को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस. मतलब ट्रेलर भी आउटस्टैंडिंग है और ये गाना भी आउटस्टैंडिंग है. जो आपकी जिस तरीके से आप मार्केट कर रहे हो वो भी आउटस्टैंडिंग है. सो मेरा सवाल डायरेक्टर साहब से, सर आपने जो टी शर्ट पहनी एंटर द ड्रैगन, यही आपका इंस्पिरेशन है बिहाइंड दिस सेंट्रल कैरेक्टर जो अभिमन्यु भी है, जिनको दर्द नहीं होता? सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट? डेफिनेटली वन ऑफ द है, क्योंकि मेरा एक कजिन हुआ करता था जो ये पोज कर सकता था और मैं कभी नहीं कर पाया आज तक. तो मैं चाहता था कि जब मैं फिल्म बनाऊँ तो मेरा हीरो जो है वो ये कर पाए. तो ऐसे सीन्स हैं कुछ फिल्म में उसके. तो डेफिनेटली मतलब जैसे कोई ना कोई आपको ब्रूस ली से कभी ना कभी इंट्रोड्यूस कराता है लाइफ में, और आप जब पहली बार देखते हो बचपन में तो इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन यू. सो इट हैज़ कैरी फॉरवर्ड, इट स्टिल हैज़, एंड दैट इज़ व्हाट प्रॉब्ली यू नो लेड टू दिस फिल्म एज वेल. अभिमन्यु, वेलकम टू द इंडस्ट्री. ये बताइए कि जो आपकी मेहनत रही है, सर ने कहा कि एक डेढ़ महीने आपके पूरे ऑडिशन रहे हैं, तो ऑडिशन के दौरान व्हाट वॉज द प्रोसेस एंड तैयारी जिस तरीके से आपने मार्शल आर्ट्स किए हैं, सो प्लीज़ टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट था. पहले दिन मैं ऑडिशन के लिए गया तो आई डिडंट गेट अ चांस. आई वेटेड द होल डे आउटसाइड. सेकेंड डे सेम चीज़ हुआ. थर्ड डे जब भी मैं गया तब शुरू हुआ, हमारी कहानी शुरू हुई. अबाउट 4-5 weeks एवरी डे आई यूज़ टू गो गिव सम ऑडिशन. शॉर्टलिस्ट हुए. आफ्टर अ पॉइंट आई यूज़ टू टेल सर, सर आपको अच्छा क्या लगा, बुरा क्या लगा, कुछ तो बताइए. तो सर का एक डायलॉग रोज़ मुझे मिलता था, कल आ जा कुछ करते हैं. तो इवन ऑन द डे दैट ही एक्चुअली टोल्ड मी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ द फिल्म, ही फर्स्ट टोल्ड मी कलाजा कुछ करते हैं, तो मैं बाहर चलने लग गया. तब मुझे वापस खींच के ले गया, अच्छा सुन तू है भाई. बट या आफ्टर दैट आई स्पेंड सो मच टाइम विद वासन सर एंड स्पोक अबाउट व्हाट सूर्या इज एंड हाउ आई शुड डेवलप इन टू सूर्या. तो वी वेंट अराउंड 9 months ऑफ हार्ड कोर ट्रेनिंग. उसके पहले मुझे मार्शल आर्ट्स नहीं आता था, तो 3 hours इन द मॉर्निंग विद एवरी वन एंड देन 3 hours मैं घर जाके शाम को भी ट्रेनिंग करता था. 6 hours ऑफ मार्शल आर्ट्स एवरी डे. फिजिकल ट्रेनिंग रहती थी, बायोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजिकल रिहैब बिकॉज सूर्या कैन फिक्स हिमसेल्फ. तो वो बहुत सीखने को मिला. एंड लास्ट 3 महीने जो थे शूट के पहले आई वेंट इन टू आइसोलेशन. सो आई यूज टू स्पीक टू वासन सर एंड ओनली माई ट्रेनर्स. ये आई मीन आई वॉन्ट टू टेल यू वाई, बट आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी. एक्चुअली पहले जब 4 बार मिला था मुझे पता नहीं था कि हू सन ही इज और वेयर डज ही बिलोंग टू, और तभी वो रिक्शा में ही आता था. फिर जब सेलेक्ट हुआ उसके बाद फिर ऑडी में आया. राधिका, आपका क्या रिएक्शन था जब आपको पता चला कि अभिमन्यु किसके बेटे हैं? अच्छा, जब अभिमन्यु किसके बेटे हैं जी, मैंने एक किस्सा काफ़ी बार सुना दिया, मैं फिर से सुना देती हूँ. तो जब मैं पहली बार वासन सर से मिली थी तभी उन्होंने बोला था कि अभिमन्यु स्टोरी बताओ, तो मैं सुन रही थी. तो इन्होंने मुझे बोला एक्शन फिल्म है,
ठीक है, तो मेरे माइंड में था टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, एंड ऐसे लंबा चौड़ा, 8 packs और पता नहीं क्या क्या. तो मैंने बोला ये सब तो ठीक है सर, पर हीरो कौन है? तो उन्होंने बोला ये, और मैंने शॉर्ट्स में, टोपी में, और ऐसे टी शर्ट में ऐसे बैठा हुआ था. मैंने बोला ओके, मतलब इतना क्यूट सा, स्वीट सा, कोई मैंने देखा नहीं है कि यू नो कि एज अ हीरो प्रेजेंट किया गया. एंड फिर मुझे लगा नया आदमी, तो मैं उसको ऐसे बुली करती थी, किया क्या है तुमने लाइफ में, कम से कम मैंने 1.5 साल तक टेलीविजन तो किया है, तुमने क्या किया? और ये बेचारा ऐसे कि नहीं मैं असिस्ट करता था, ये करता था, वो करता था. 4 महीने बाद मैंने साइन कर ली कॉन्ट्रैक्ट, 4 महीने बाद इसके घर पर रीडिंग होती है. ये ऑटो में ट्रैवल करता था मेरे सामने, तो मैं इसको बोलती थी घर छोड़ दूँ, क्या करूँ घर छोड़ने के लिए, नहीं नहीं मैं ऑटो में. मैंने ठीक है, घर पर रीडिंग हुई तो मुझे लगा चल ठीक है घर पे है. तो मैं घर के बाहर आई तो मैंने पहले पूछा ये तेरा घर है? गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, कोठी. मैंने बोला चल अमीर होगा. फिर रीडिंग चल रही थी, रीडिंग ख़त्म हुई, मैं जूते पहन रही थी, इसके पापा वापा सब मिलने आए, कुछ नहीं मतलब मैंने कुछ सोचा नहीं, जूते पहन रही थी. सामने फ़ोटोज़ लगी थी, तो भाग्यश्री जी की फ़ोटो थी, तो मुझे लगा वो जैसे फ़ैन बॉयज़ नहीं होते कि स्टार्स के साथ ऐसे लगा लेते हैं. मैंने बोला अभिमन्यु क्या है, कौन है? तो उन्होंने बोला शी इज़ माई मॉम. मैंने बोला तू भाग्यश्री जी का बेटा है, मैं स्टार किड के साथ लॉन्च हो रही हूँ. तब मुझे पता लगा कि ओके, सो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो दैट. तो इससे पता लगता है कि अभिमन्यु में कितना एटीट्यूड है, कितना वो पैसा शो ऑफ करता है, एंड कितना बड़ा स्टार किड है वो. थैंक यू गुलशन, व्हाट लेड यू टू साइन दिस प्रोजेक्ट? कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर ये है कि आई लाइक वासन, आई बिलीव इन हिज स्टोरीज, आई बिलीव इन हिम. मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्यों इतना अच्छा लगता है. हम लोग बहुत गहरे दोस्त भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब वासन बुलाता है तो अंदर से ये इच्छा होती है कि चलो कर लेते हैं. और मुझे पता था कि वासन काफ़ी टाइम से इस फिल्म को लेकर जूझ रहे थे और बनाने की कोशिश में थे, और उसके बाद कुछ आइडिया नहीं था क्या हो रहा था. मेरी एक एक्सीडेंट हो गई थी, नी सर्जरी हो गई थी, तो जब वासन मिला उससे 2 महीने पहले मैंने सर्जरी करवाई थी और पूरे साल की छुट्टी ले ली थी मैंने कि कोई काम नहीं करूँगा, रिहैबिलिटेशन करूँगा, क्योंकि काफ़ी सीरियस इंजरी हो गई थी. तो वासन आया और वासन ने कहा कि ये फिल्म है, तुमको करना नहीं चाहिए लेकिन कर लो, क्योंकि कराटे फाइट करना है, डबल रोल है, 2 भाई है, जुड़वा भाइयों का रोल है, एक कराटे फाइटर है. तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं. आई थिंक इट वॉज द राइट डिसीजन, आई डोंट नो, बट आई थिंक इट्स जस्ट समटाइम्स यू जस्ट कांट से नो टू सम पीपल, एंड आई थिंक देर इज़ नो एक्सप्लेनेशन, इट जस्ट सीम्स लाइक इट्स द राइट थिंग फॉर यू टू डू. तो वासन्स ऑफर वॉज वन ऑफ दोज. तो अपनी कोई टिप्स दिया आपने इस न्यू कमर को, अभिमन्यु राधिका जी को? वो पैसे दिए थे उन्होंने तो मैंने मदद कर दी मेरी तरफ से काफ़ी सारा, मतलब दोनों रईस खानदान से हैं तो. नहीं एक्चुअली हम लोग ट्रेनिंग साथ में करते थे, और मैं जब पहला दिन मैं इन लोगों से मिला, बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही मतलब अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया था इस प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने, तो वो मैंने देखा. तो मुझे कुछ टिप्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी. हाँ एक आध दिन कोई लेट आया तो मैं एक बार किसी को मैंने डांट दिया था थोड़ा सा प्राइवेटली, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जब आप देखते हैं इनको कोई सलाह की ज़रूरत नहीं है तो मैं देने की कोशिश नहीं करता. आई थिंक बहुत ही तैयार और बहुत ही प्रिपेयर्ड हैं दोनों, फिजिकली मेंटली और ऑल्सो अपने काम को लेके बहुत तैयारी की है उन्होंने, और टैलेंटेड भी हैं. तो मैंने सिर्फ एंजॉय किया इन दोनों के साथ काम करने का, बस एंजॉयमेंट रहा बस. हमें पूरी पेमेंट रखवा दो गुलशन की गाड़ी में, पूरी पेमेंट रखवा. नहीं, बहुत सीखने को मिला गुलशन सर से. हाँ GST भी लगेगा. ओके अभिमन्यु जी एंड राधिका जी, आपका फेवरेट एक्शन हीरो? जैकी चैन. सिंथिया खान. थैंक यू अरुण सर, थैंक यू सो मच. सारे कैमरे पता है ऐसे घूम गए थे कि अभी आ रहा है वो सवाल. अच्छा मेरा फेवरेट एक्शन हीरो पता है कौन है? हाँ जी कौन? मंदर पोंक्षे. ओहो सिंप्लिसिटी के साथ ऐसा छोड़ दिया वहां पे. सर आपसे भी पूछना चाहूंगा मैं, आपका एक्शन हीरो मतलब फेवरेट ऐसा बचपन से था सर कुछ, एक सुपर हीरो मेरे को क्रिएट करने का कुछ करना है जो यहाँ बना दिया? वो तो था ही बचपन से ऑब्वियसली जैकी चैन, उनके जारी जो सारी स्टंट्स हैं जो देख के हम लोग तो आज भी मतलब कोई नहीं कर पाता वो, तो ऑब्वियसली हम. सो दैट्स ऑल वी हैव. अच्छा सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर राधिका. राधिका द काइंड ऑफ फिल्म्स यू आर डूइंग,
you know, for a debut film, they are quite unsafe that way because, you know, but they're fun, of course. So what is going in the, you know, decision process, and were you not nervous ke aise hi films milengi? Of course, it's a good film because we've watched it last year, but... जी जब मैं ऑडिशन देने जाती थी उस टाइम पे क्या होता है बेगर्स कांट बी चूजर्स ठीक है तो जो भी मिल रहा होता है ना ले लेते हैं तो जब ये फिल्म मैं तो लैला मजनू के लिए ऑडिशन देने गई थी एंड ये फिल्म बस मेरे पास आ गई एंड जब मैंने रीड करी स्क्रिप्ट तब मुझे लगा कि मुझे करनी है मैं कैसे करूँगी मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे एक्शन में इंटरेस्ट नहीं है बट मेरे को करनी थी सो आई डिडंट चूज दिस फिल्म इट चोज मी लिटरली मतलब मुकेश को मैंने बोल दिया था कि भाई ये लड़की को तो भेजेगा नहीं वहाँ इम्तियाज अली को तो मिल जाएंगी और मेरे को नहीं मिलेगी सो इट इज़ नॉट इन माई हैंड्स टू बी वेरी ऑनेस्ट कि बी एड पटाखा पटाखा के लिए ऑफकोर्स आई ऑडिशन एंड एवरी थिंग पटाखा हो गए मर्द को दर्द नहीं होता हो गई इन दोनों से मुझे ये समझ में आया कि जब मैं प्लान करती हूँ चीज़ें तो वो बहुत ही बकवास होती है बट जब यूनिवर्स मेरे लिए प्लान करता है तब वो अल्टीमेट होता है सो बी एड मर्द को दर्द नहीं होता बी एड पटाखा आई थिंक I've just lucked out with both the films and I'm so grateful for it. Radhika, आप TV से फिल्मों में आई हैं जो आप काम अब कर रही हैं उनमें कल कई एक्ट्रेसेस को बहुत समय लग जाता है जो एक्शन सीन्स या प्रोजेक्शन दीपिका हुई या और भी लोग हुए पर आपको दूसरी फिल्म में मिल रहा है आपको लगता है ये आपकी और इम्पैक्टफुल कर देगा इमेज फिल्म हिंदी सिनेमा में जी मैं इतना ना सोचती नहीं हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने और ये मेरी दूसरी नहीं है मेरी पहली फिल्म है एक्चुअली पटाखा वॉज माई फर्स्ट फिल्म पहले रिलीज़ हो गई थी वो बट आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे पहली मूवी में ही मौका मिल गया कि जा एक्शन कर फुल ऑन बट मैं इतना नहीं सोचती कि अब ना मैं ये प्रोजेक्ट करूँगी तो मेरी ये इमेज बन जाएगी ऐसे नहीं कर सकती हूँ मैं सो आई एम जस्ट डूइंग वट एवर इज़ कमिंग टू मी एंड वट एवर माई गॉट इज़ सेइंग यस टू एंड और एक्ट्रेसेस भयभीत हो जाएंगी आपसे आपको लगता है ऐसे भयभीत मैं हो जाए तो भी ठीक है नहीं हो तो भी ठीक है इसके बारे में मैं कुछ कहूँ राधिका ने इस फिल्म में जो किया है ना है इसके मतलब टैलेंट के इसके बराबर टैलेंटेड लोग हैं इंडस्ट्री में बट राधिका ने इस फिल्म में जो किया आई डोंट थिंक एनीबडी कैन डू इट थैंक यू अभिमन्यु When your mom debuted, it was a historic moment और उस तरह की लोकप्रियता और उस तरह का debut शायद ही कभी किसी को मिला आपको लग रहा है कि ये फिल्म शायद आपको उतनी ही उस वैसी हो पाएगी आपके लिए आप लोग मेरे को भाग्यश्री दी एक्ट्रेस का बेटा बुलाकर बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते हो आई डोंट डिजर्व दैट क्रेडिट हर एज एन एक्ट्रेस हैज़ अचीव सो मच इवन 30 ईयर्स फ्रॉम द डे ऑफ द रिलीज यू एंड व्हेन आई ट्रैवल अब्रॉड ऑल्सो पीपल रिमेंबर हर एज सुमन And her character has lived for 30 years. I'm just scratching the surface. I'm trying to make my own mark, standing on my own two feet. So, thoda sa pyar mil jayega. To bahut hai. And at the end of the day, I want to make my mother proud. 10, 20, 30 saal baad koi mom ko dekh ke bolega, wo Abhimanyu ki mom hai, to main khush ho jaunga. All the best to you. ट्रेनिंग के बारे में सोचती हूँ जब तो यार बहुत मतलब पिल गई हूँ मैं तो बहुत मेहनत की यार अभिमन्यु कौन सी चीज या जहन में आते ही दर्द होता है किस चीज को सोच के सबसे ज्यादा दर्द होता है कि इसके बाद मैं वासन सर को कभी मतलब मिलूंगा आई स्वेयर लाइक आई हैव स्पेंड सो मच टाइम विद वासन सर इन द लास्ट 3 इयर्स दैट आई हैव बीन विद हिम और मैंने उनसे इतना 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 कुछ सीखा है तो आई गिव हिम ऑल द क्रेडिट एनीथिंग दैट दिस फिल्म डज फॉर मी और हैज ऑलरेडी डन फॉर मी इंटरनेशनली it's because he believed in me that I started believing in myself and at the end of the day he's saved my life Gulshan toote hue dil ke bare mein soch ke bahut dard hota hai yehi to sunna tha unhe last mein mila yahan break up patch up ki kahani thank you so much ladies and gentlemen zordar taaliyan for mard ko dard nahi hota ki team and of course the kamal ke director sahab yahan pe yeah we'll have a quick photo up now मेरी स्पेसशिप में बैठ जा रहे उड़े उड़े चले चले बैक टू द फ्यूचर आए उड़े उड़े चले चले दोस्त
राहों पर रपन रपी रप यू बी रेडी विद आंखों का लेजर रपन रपी रप अपने फ्रिज में तू ड्रैगन जमा कर रपन रपी रप ये बंधन तो है प्यार का बंधन है ऐसे और बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए देखते रहिए चिलैक्स